ये एक ऐतिहासिक घटना है कि भारत सरकार का जो पब्लिकेशन डिवीजन है उसने कहने को एक प्राइवेट बुक एजेंसी के साथ एग्रीमेंट किया, परंतु वो प्राइवेट बुक एजेंसी एक बहुत बड़ी एजेंसी है। उसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और उसकी अब उसका 91 ईयर चल रहा है। उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे पीएन भगवती फॉर्मर चीफ जस्टिस, वो उसके प्रेसिडेंट थे। आजकल हैं टीएन चतुर्वेदी जो गवर्नर थे कर्नाटक के। तो संस्था बहुत बड़ी संस्था है, गांधी जी द्वारा प्रतिष्ठापित। उसके साथ पब्लिकेशन डिवीजन ने जो है एक एग्रीमेंट किया है जॉइंट पब्लिकेशन का, और इस जॉइंट पब्लिकेशन के माध्यम से उद्देश्य है कि जो नौजवान हैं देश के युवक, उनको ऐसी किताबें दी जाए जिससे कि भारत के बारे में उनकी पहचान बन सके। भारत के बारे में लोगों की पहचान बहुत कम है, जानते नहीं हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी आधुनिकता को बरकरार बनाए रखने के लिए विदेशों के साथ संपर्क करें, परंतु भारत की ज़मीन से जब तक वे एक नौजवान नहीं जुड़ेगा तो उसकी शख्सियत बन नहीं सकती। और इसी उद्देश्य से इस एग्रीमेंट को हमने जो है आज हस्ताक्षर किए दोनों ने मिलके, सस्ता साहित्य मंडल और पब्लिकेशन डिवीजन ने, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में इसका फ़ायदा जो है भारत के युवकों को मिलेगा। कुछ खास तरह की किताबें छापने की योजना है? चरित्र जो जो बायोग्राफीज़ हैं या ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, मैं आपको बताऊं इसके, और जो जो बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो वो कहानियां पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है, कविताएं पढ़ता है। ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ने की उसकी मन में इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसकी तरफ किसी को कोई उसको बताता नहीं है। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से लड़के को इतनी अधिक प्रेरणा मिलती है। एक तो इस तरह की पुस्तकें आएंगी, दूसरी पुस्तकें हैं जो भारत की जो भारत की परंपराएं हैं, भारत का जो ईथॉस है, भारत के जो संस्कार हैं उनके बारे में, ये सारी जो बातें बताई जाएंगी, क्योंकि गांधी जी द्वारा प्रतिष्ठापित जो ये संस्था है इसकी दृष्टि बड़ी व्यापक दृष्टि है। ये एक्सक्लूसिव दृष्टि नहीं है, हम लोग इंक्लूसिव दृष्टि के सहारे आगे बढ़ते हैं, जो भारत की बुनियादी बात है। भारत इंक्लूसिव है, भारत मल्टीलिंगुअल, मल्टीरेशियल, मल्टीकल्चरल है। इसलिए हम इस ऐसी किताबें देंगे बच्चों को जिससे कि भारत का सही पहचान उन्हें हो सके।